जो सबसे मुझे शॉकिंग न्यूज लगी और जिस पे मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया इसके ऊपर, मतलब पाकिस्तान समझता ही नहीं है कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। साउथ कोरिया के एम्बेसडर को इंडियन सरकार ने समन किया है, साउथ कोरिया के एम्बेसडर को। अब आप मुझे ये बताएं कि, और इसलिए समन किया कि भाई आपका जो पाकिस्तान में जो एक ग्रुप सेंटर है उसने इंडियन जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके बारे में स्टेटमेंट क्यों जारी की। जो एक आपको एक बड़ी अहम बात बताऊं जो सारी इस बात का क्रक्स है दोस्तों, वो ये है कि पाकिस्तान की अवाम और सरकार, इनकी आपस में इतनी जंग चल रही है कि ये फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर भी वो गठजोड़ नहीं है। जबकि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो अपनी सरकार को सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हमारा जो सरकार के जो स्टेट के कुछ गोल्स होते हैं, गवर्नमेंट के गोल्स नहीं, जो स्टेट के कुछ गोल्स होते हैं, उन स्टेट के गोल्स को फॉर लॉन्ग टर्म स्टेट सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि स्टेट एंड द गवर्नमेंट जो है वो अपनी शॉर्ट टर्म गोल्स कई दफा देख रहे होते हैं, उन्होंने लोगों को कई दफा गलत डायरेक्शन पे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पाक मीडिया ऑन इंडिया में। दोस्तों हमारा ये चैनल नया है तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान में कश्मीर दिवस मनाया गया जिसमें कि दुनिया की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां जैसे कि हुंडई, KFC, इन सभी ने अपने सोशल मीडिया के पेज पर कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, उसको हम भारत से आज़ाद कराएंगे और भी बहुत कुछ लिखा। जब भारतीयों को ये बात पता चली तो हमने इन सब ब्रांड्स का बॉयकॉट शुरू कर दिया। बाद में इन सभी कंपनियों ने माफ़ी भी मांगी। तो क्या है पूरा मामला, देख लेते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों मैं अभी देख रहा था न्यूज़ और जो सबसे मुझे शॉकिंग न्यूज़ लगी और जिस पे मैं देखता हूं कि पाकिस्तान ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया इसके ऊपर, मतलब पाकिस्तान समझता ही नहीं है कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। साउथ कोरिया के एम्बेसडर को इंडियन सरकार ने समन किया है, साउथ कोरिया के एम्बेसडर। अब आप मुझे ये बताएं कि, और इसलिए समन किया कि भाई आपका जो पाकिस्तान में जो एक ग्रुप सेंटर है उसने इंडियन जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके बारे में स्टेटमेंट क्यों जारी की। अच्छा अब मुझे ये बताएं, और ये इतनी बड़ी बात है कि मेरा ख्याल है कि किस तरह एक प्राइवेट कंपनी होगी शायद जिसके कुछ करने के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट हरकत में आ गई और साउथ अफ्रीका साउथ कोरियन एम्बेसडर को बुला लिया। अब इसकी ज़रा सिग्निफिकेंस और इस चीज़ पे बात करें। पहली बात तो ये है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है, अवाम जो है, जो लोग हैं, वो इतनी टफ लाइन ले रहे हैं कश्मीर के ऊपर और वो समझ चुके हैं कि उनका जो पॉलिटिकल फाइनेंशियल कैपिटल और जो सोसाइटी है वो इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है कि वो जब जिसको दिल करे वो रोक सकते हैं, जिसके मर्जी वो क्वेश्चन मार्क करते हैं ना, सवालिया निशान वो लगा सकते हैं। अच्छा आप देखें कि अब हुंडई पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई बट दैट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी सरकार जो है ये तो प्राइवेट कंपनीज को कहती है कि जी, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी, या शायद जो प्राइवेट कंपनीज खुद तो ये कहते हैं कि जनाब कश्मीर के ऊपर बोलें, लेकिन अगर इंडियन सरकार ने इस तरह का एक्ट लिया तो पाकिस्तानी बोल क्यों नहीं रहे। अच्छा इंडियन जो पब्लिक थी उन्होंने सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया, सोशल मीडिया पर रिएक्शन के बाद वो बोले, उसको फॉरेन हुंडई इंडिया को स्टेप बैक करना पड़ गया, क्लेरिफिकेशन जारी करनी पड़ गई, इवन सोल तक प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। और उसको फिर क्या किया कि इंडियन मीडिया ने पिक किया, इंडियन मीडिया से वो बात इंडियन सरकार तक आ गई और इंडियन सरकार ने ये सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि अपनी अवाम जिसने कश्मीर के हवाले से एक इंडिविजुअल स्टेप लिया है, हम उसको बकअप करें, सपोर्ट करें। अच्छा उधर से आप पाकिस्तान को देखें, पहली बात तो यह कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो जो करते हैं, मैं तो वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग इन बिजनेसेस को मैं चाहता हूँ कि ए पॉलिटिकल रहें, जो कारोबार है उसको ए पॉलिटिकल रहना चाहिए, कारोबार को इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका अपना पॉलिटिकल कैपिटल जब इस तरह का हो कि आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो कारोबारों को ये चाहिए कि वो क्या उसे बोलते हैं,
ए पोलिटिकल रहे, लेकिन अगर वो ए पोलिटिकल नहीं भी रहे, उन्होंने आपको सपोर्ट कर भी दिया कश्मीर के ऊपर, तो पाकिस्तान की सरकार इसमें क्यों जवाब नहीं दे रही? पाकिस्तान की अवाम जो है उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया कि भाई एक कंपनी को उन्होंने पकड़ के उदाड़ पछाड़ कर दी है। ये कि फिर हम बात करते हैं जी कि इंडिया बहुत बड़ी फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, ग्लोबल फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, दुनिया सारी वहाँ पे आ रही है, तो इस वजह से इंडिया के में वो लोग कर रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं प्राइवेट कंपनीज के ऊपर, तो वो तो कामयाब हो गए। उन्होंने तो पकड़ के सारी प्राइवेट कंपनीज के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया, उन्होंने क्या तुम उन बोल के वो हौस आनो, आप बोले तो सही कश्मीर के ऊपर एंड देन वी विल सी कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते। सो मुझे ऐसे लगता है व्हाट आई बिलीव हियर इज कि इंडियन अवाम का बात करना, इंडियन मीडिया का उसको पिकअप करना, हुंडई का बैक ट्रैक करना, फिर इंडियन स्टेट का असर्ट करना, ये तो हमें एक सीक्वेंस और एक चैनल बिल्कुल नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की साइलेंस की समझ नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने पहले कहा है कि बिजनेसिस को ए पोलिटिकल रहे, उनको इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कारोबार जो है वो उनको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, उनको सिर्फ बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि ये जो बिजनेसेस जब इस तरह की चीज़ों में आते हैं तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि वो अब देखें ना कंट्रोवर्सी में ब्रांड जनरेट हो गया, अब वो अब या तो फिर हो कि आपका पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक फाइनेंशियल कैपिटल इतना ज़्यादा हो, हुंडई आपसे इतनी डरती हो कि अगर पाकिस्तान की मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग हमने बंद की तो हमारे लिए मिसाइल पैदा होंगे। जब ये चीज़ भी नहीं है, क्योंकि हम तो कंपनीज को ले रहे कि पकड़ पकड़ के लेके पाकिस्तान आ रहे हैं कि आओ इधर मैन्युफैक्चर करो और यहाँ पे लोगों को रोज़गार दो, लोगों को नौकरी दो, लोगों को इंगेज करो, और उधर जो है वो तो हम किस तरह कह सकते हैं उनको कि वो इस तरह की चीज़ जो है वो ना करें। तो मुझे ऐसे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया ने अपने आप को तो असर्ट किया ही किया है, लेकिन पाकिस्तान की खामोशी ने बहुत सारे लोगों को परेशान किया है। मैं यहाँ पे एक स्कॉलर से मिला अभी थोड़ी देर पहले, तो मेरी उनसे इस हवाले से बात हुई, मैंने कहा जी ये क्या चल रहा है और ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले हम बात कर रहे थे, एक ओवरऑल जनरल ओवरव्यू पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो वो बेसिकली उन्होंने मुझे चीज़ कही वो यही कही, उन्होंने कहा बेसिकली लोग हमारी सरकार जो है वो ओनरशिप नहीं लेती और हमारे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।